स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। यह डेड बॉडी फ्रीजर जो है भारत विकास संस्था द्वारा जो यहाँ की शमशान घाट की संस्था है, समाज सेवी संस्था, उनको सौंपा गया है और लगभग 50,000 से अधिक कीमत के ये फ्रीजर डेड बॉडी, जब उसको जो है सही तापमान देने के लिए ज़रूरी होता है, ये इसकी यहाँ पर आवश्यकता थी और यहाँ पर इसको सौंपा गया है। आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि भारत विकास परिषद से जुड़े सभी सदस्यगण यहाँ पर आए हुए हैं इस जो है इनको सौंपने के लिए, संस्था को जो इस स्वर्ग आश्रम की संस्था का कार्य देखती है उसको देने के लिए। और ये भारत विकास परिषद की तरफ से राम बाग के जो सदस्य को हमें ये फ्रिज जो है समर्पित करते हैं। भारत माता की जय। बोल बोले शंकर की। बहुत मांगने का, मैं शहर वास्ते मांगते रहूँ, शहर वास्ते पहला गड्डी मांगी थी, उससे पहले फ्रीजर लेना था वो मांगा था, तो आपका बहुत एहसान है, बहुत आभारी हम आपके भारत विकास परिषद के जिन्होंने काम करा शहर के लिए, और शहर के लिए हम तो मांगते रहेंगे, आगे दिनों भी मांगेंगे भाई। आप लोगों से उस दिन भी प्रार्थना कर दी, बीमारा पल्ला तो यही रहेगा मांगने के लिए। तो चलिए, अच्छे काम के लिए तो मांगना भी बढ़िया रहता है। हाँ जी, हाँ शर्मा जी, ठीक है, मांगना भी चाहिए और इसलिए तो यही तो काम है अपना, बाकी सारे अपने। इसी निमित्त बात करते हैं भारत विकास परिषद के जिला सचिव संदीप पुरथी। पुरथी साहब, क्या प्रोजेक्ट, क्या प्रकल्प था ये आपकी संस्था का? संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार, समर्पण, पांच सूत्रों पर आधारित हमारी ये भारत विकास परिषद का एक कार्य करती है। सेवा के प्रकल्प पे कुछ समय पहले ही रामबाग के कुछ सदस्यों ने हमसे बात की, तो हमारे सदस्य श्री मनोज कालराज ने उनसे बात की, तो मनोज कालराज को इशारा मैं तो कहता हूँ, उन्होंने एक हमें समाज के अंदर वो दिया भी हम अपनी भारत विकास परिषद की टीम से एक यहाँ पर डी फ्रिज, डेड बॉडी फ्रिज जो हमने देने का निर्णय लिया और आज इस कार्य को संपूर्ण करने जा रहे हैं, और ये हम अपने भारत विकास परिषद पूरे सदस्य की तरफ से ये रामबाग में फ्रिज दान देने जा रहे हैं। कितनी कीमत का? ये लगभग 50,000 की कीमत का कीमत, और सब सदस्यों ने इसमें पूरा भरपूर सहयोग दिया। एक बस मैं कहूँ, मैं तो हफ्ते के अंदर ही हमारा पूरा कार्यक्रम तैयार हुआ। जी डॉक्टर साहब, जानकारी दीजिए किस प्रकार का प्रोजेक्ट भारत विकास परिषद द्वारा ये यहाँ पर दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और देखो जिंदे के लिए तो सब कोई करते हैं, जो प्राणी जाने के बाद जो एक जो सेवा की जाती है ये एक बड़ा धर्म का काम है, जो भारत विकास परिषद ने जो किया है, हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं और इसी तरह कामना करते हैं परमात्मा इनसे इसी तरह कार्य करवाते रहें। चलिए, हमारे साथ चेयरपर्सन शालिनी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शालिनी शर्मा जी, क्या कहेंगे इस इतना बड़ा जो है कार्य जो है भारत विकास परिषद ने किया है? हमारी शाखा भारत विकास परिषद वैसे तो बहुत से अनेक कार्य करती है, लेकिन यह भी एक बहुत अच्छा कार्य है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस शाखा का एक अंग हूँ और मैं भी इसकी एक सदस्य हूँ, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और भारत विकास परिषद का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने लोगों के लिए इतना कुछ सोचा। शारदांटी जी, सारी उम्र समाज सेवा में लगा दी और हर संस्था के साथ आप जुड़े हुए, तो आप क्या विचार रखते हैं इतना बड़ा दान? जो समाज सेवा करते हो सारे अच्छे हैं जी, बस अपना शहर की तरक्की हो रही है जी, अपने लोग अच्छी तरह ठीक हो रहा है तो अच्छा है। प्रभु का कार्य, ईश्वर का कार्य भी रहती है ये। नहीं, प्रभु का ही कार्य है, और बंदा कौन करने वाला, बंदे के बस का कुछ नहीं है, ये प्रभु की इच्छा है। आपसे प्रेरणा मिलती है सबको, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, बस मैं क्या करने जोगी हूँ, समाज सेवा आप कर रहे हो जो दुनिया को पहुंचा रहे हो खबरें, नहीं नहीं ये दुनिया को आप खबरें पहुंचा रहे हो, सारी सेवा तो आपकी है जी। वृंदावन जी, क्या कहेंगे आप इस विषय पे? मैं तो इसके लिए भारत विकास परिषद का एहसान मानूंगी जिन्होंने ये काम उठाने का निर्णय लिया और मुझे इसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पार्षद संगीता ठकुराल जी भी, आप भी क्या कहेंगे? मैं भारत विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये नेक काम किया है, भगवान उनको और भी आगे ऐसे नेक काम करने की वो दे, प्रोत्साहन दे उनको जी। बात करेंगे हंसराज डांग जी से, जिन्होंने भी सारी उम्र अपनी इन कार्यों में ही लगाई है, तो आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? जैसा कि आपको विदित है, भारत विकास परिषद कई प्रकार के कर्लप का कर रहे हैं, जो समाज सेवा के, जिसमें धार्मिक कार्य हैं, समाज सेवा के कार्य हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, और सडोला शाखा तो एक अलग से शाखा है जिसके अंदर हर समय एक उत्साह बढ़ा रहता है कि हम कुछ ना कुछ करें जी, जी, नया करें, कोई ऐसा कार्य करें जिसमें जनहित का कार्य हो, गरीबों की जिनको स्कूल में वर्दियां देनी, शूज़ देने, या कोई गरीब कन्या की शादी करनी, और कई
ये उनके कार्य हैं, सराहनीय कार्य हैं, बढ़ चढ़ कर ये भाग लेते हैं। और इस शाखा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इन संगठन में एकता इतनी है, इतना प्यार है कि ये एक बॉल के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर सब इकट्ठे हो जाते हैं। और आज भी जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है जी, ये इनकी बहुत बड़ी देन है और ये समाज के लिए देन है और समाज इनका ऋणी है और इनका अति धन्यवादी है कि इन्होंने जो आज ये कार्य किया है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि आप समाज में बढ़ चढ़ कर आगे भी कार्य करो और समाज की सेवा करें। और हम ये चाहते हैं कि इसी प्रकार ये सेवा कार्य में लगे रहें और हमारा सहयोग इनके साथ हर समय लगा रहेगा। जय माता जी। डंग साहब बहुत खूब कहा। जसवंत सिंह जी, आप भी भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं तो क्या कुछ कहेंगे? इतना बढ़िया क्या आप कार्य हरजेश जी हमारे संदीप जी की टीम ने किया है जी, ये बहुत ही शानदार काम है। इसके लिए जो दिया गया है, सभी सरोवर के निवासियों ने, भारत विकास परिषद ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। पहले भी एक फ्रिज दिया गया था कि अब पता लगा कि दो तीन डेथ इकट्ठी होगी तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई है, इसलिए उस समस्या को ध्यान में रखते हुए ये दूसरे फ्रिजर की सेवा की गई है। मैं सारी भारत विकास परिषद और डांग साहब आप सबका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने ये सब ने मिलकर ये काम किया है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं भारत विकास परिषद के स्थानीय शाखा अध्यक्ष अरजय दीवान जी से। दीवान साहब क्या कहेंगे इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में? सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैसे तो सभी मेंबरों ने बता दिया पर लेकिन यो शहर की जरूरत को समझते हुए हमारे पास ये संदेश आया था कि सड़ोरा रामबाग में एक डी फ्रिज की जरूरत है। तभी फिर अपने मेंबरों की हमने मीटिंग की, उसके अंदर ये प्रस्ताव पास किया और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इसमें अपने सभी साथियों का तहे दिल से सभी का अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नर सेवा नारायण सेवा के इस एक मोटो के साथ भारत विकास परिषद हमेशा ही समाज सुधार के कार्य, चाहे वो जरूरतमंद की सेवा का कार्य हो या अन्य कोई भी जागरूक करने का कार्य हो, सभी में लगी रहती है। तो आज एक विशेष दिन है कि एक अच्छा कार्य भारत विकास परिषद ने यहाँ पर किया और जिस चीज़ की सढ़ौरा वासियों की अवस्था थी, इसके बारे में शायद कोई विचार भी ना करे, लेकिन वो विचार इनके मन में आया और एक प्रोजेक्ट शहरवासियों को दिया और एक भी एक अच्छा विषय सामने आया। तो इसके लिए पूरी टीम को हम साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरा समाज जो है इसके लिए उनका धन्यवाद करता है और बहुत अभिनंदन है पूरी टीम का जिन्होंने इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट जो है लिया और उसका संपूर्ण किया। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति रामबाग सढ़ौरा से। धन्यवाद।